हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद त्रिपाठी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं, क्या पूरे केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पहला पॉइंट देखें, एटम क्या होता है, एटम देखें, फिर मॉलिक्यूल देखें, मॉलिक्यूल के टाइप देखें, ग्राम एटम देखें, ग्राम मॉलिक्यूल देखें, फिर उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट शुरुआत करते हैं। तो पहले इतना हम लोग देखते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे क्या, एटम। एटम क्या है? एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, बल्कि बोल सकते हैं अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का, वही एटम है। और विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब अकेले रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, इसकी गारंटी नहीं है, नहीं ये अकेले ही रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जब भी रहेगा H2 फॉर्म में रहेगा, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है। लेकिन नोबल गैस की बात करें, हीलियम हो गए, नियान हो गए, ये लोग क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, पहले क्या है एटम, क्या है The smallest particles of the particle of elements which may or may not have independent एग्जिस्टेंस, विच मे आर मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, और भी बहुत सारे क्या है, नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन कुछ नोबल गैस की बात करें, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ये जो हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो क्या हो गया ये एटम। और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एटम आर द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल जो है वो एटम होते हैं। तो हम लोग एटम देख लिए, अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, लेकिन शर्त है, शर्त क्या है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, इसका मतलब वो स्टेबल होगा, मिनिमम एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल बनता किस लिए, इसीलिए तो बनता है, जब वो स्टेबल नहीं होता तो एक और एटम को लेगा, एक और एटम को लेगा, कंबाइन करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इससे शेयर करके, वो स्टेबल शो करने लगता है, इसलिए मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल व्हेन टू आर व्हेन टू आर मोर एटम कंबाइन देन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। एंड दे आर स्टेबल एंड है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। स्टेबल होता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। अगर एग्जाम्पल देखें H2 हो गए, O2 हो गए, N2 हो गए और बहुत सारे, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है और ये स्टेबल होते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल आर अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के जो अल्टीमेट पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे हमने देखा था कि एलिमेंट के अल्टीमेट पार्टिकल थे एटम। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल में इसके टाइप देखते हैं। टाइप में पहला हम लोग देखते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल यही देख लेते हैं फर्स्ट। होमोएटॉमिक सबको पता है, हमें लग रहा है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है। जब व्हेन टू आर मोर एटम कंबाइन, जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करें और वो दोनों सेम एटम हो, वो दोनों क्या हो, वो दोनों जब सेम एटम हो तो क्या होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जब सेम एटम तो वही लिख देते हैं क्या, मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल किससे बना हो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स। एग्जांपल देख सकते हैं क्या है, H2, O2 और बहुत सारे जिसमें दोनों एटम जो हैं वो सेम हों। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये किसी में टर्म आता है क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल बना है उसमें कितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, वही एटॉमिसिटी है। और एटॉमिसिटी देखते कैसे हैं, जो यह नंबर लिखा है यही इसकी एटॉमिसिटी है। मतलब ये दो हाइड्रोजन से मिलके H2 बना है, कैसे, एक हाइड्रोजन ये एक ये, कितने नंबर कितने हैं वही एटॉमिसिटी है। और ये जो नीचे पावर शो कर रहा है यही एटॉमिसिटी शो करता है। तो आइए इसको हम लोग डिफिनेशन में देखते हैं,
एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कितने एटम है किसी मॉलिक्यूल में, वही एटॉमिक सिटी है। जैसे इसमें होते हैं आपके मोनोएटॉमिक, डाया, डायटॉमिक, फिर क्या ट्राइटॉमिक, टेट्रा, ट्राई के बाद हम मेनली बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक जब तीन से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब एटॉमिसिटी कितना, वन, और ये कितना हो गया, थ्री हो गया। इसका जैसे एग्जांपल बात करें तो ओजोन हो गया O3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितना है, थ्री है। डाया की बात करें O2 हो गए, और अगर मोनोटॉमिक हीलियम हो गए नियन, इसकी एटॉमिसिटी कितना है, वन है। एटॉमिसिटी हम लोग देख ली। अब हम लोग देखते हैं क्या मॉलिक्यूल के सेकंड टाइप, हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी तक मोनो देखे थे, हेटरोटॉमिक क्या होगा, जब दो एटम कंबाइन करें और दोनों डिफरेंट एटम हो, किसी एलिमेंट के दो एटम कंबाइन करें और दोनों अलग एटम हो, तो क्या है, हेटरोटॉमिक। नाम ही समझ आ रहा है, हेटरो गड़बड़ अलग अलग हो। तो हम लोग देखते हैं क्या हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें, वाटर हो गए,